नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एमपी सेट 13% का जो रिजल्ट है वो अभी तक होल्ड है। इसके साथ ही व्यापम में जो रिसेंटली जो भर्तियां हो रही है उन पर भी 13% जो रिजल्ट है उनको रोक लिया है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एमपी हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जो 13% रिजल्ट रुके हुए हैं या फिर रुकने वाले हैं अब ऐसा नहीं होगा, और अब 13% पर भी मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो रुके हुए हैं उनका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। वैसे एमपी सेट 13% का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ सकता है। और इसके बाद जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 9 जून को एग्जाम हुआ है, ऐसा लगता है कि जब 13% का रिजल्ट इनका नहीं रुकेगा और 13% के साथ मतलब 100% रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इस पर हम आपको बताने वाले हैं कि कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा 2022 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मिलेगा पूरा लाभ। उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका को किया खारिज। तो जो मतलब 27 ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाला था, जिसमें 14% के अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट शामिल किया गया और 13% का जो रिजल्ट है होल्ड कर लिया गया था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 3 उप यंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के लाभ को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 6036-2023 मतलब 636/223 को डिसमिस कर दिया गया। अब परीक्षा परिणाम अनुसार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% का आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। मतलब अभी जो मिल रहा था इनको 14% का मिल रहा था, अब 14% का मिल रहा था तो 13% इन्होंने होल्ड कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन ओबीसी कैटेगरी को पूरा पूरा 27% का आरक्षण पूरा लाभ मिलेगा। शासन ने इस संबंध में 26 जून 2023 को कंडिका 5 अनुसार पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का लाभ देने नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंध विभागों को 14 जून 2024 को आदेश जारी कर दिए। मतलब कल की डेट में ये फाइनल जजमेंट आ चुका है, ऑर्डर जारी हो चुके हैं 14 जून 2024 को। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 3 उप यंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 का परिणाम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के साथ घोषित किया था। न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 87% रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इनमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्त आदेश जारी किए गए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिक्त याचिका पर सुनवाई और याचिका के डिसमिस से अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। और इसके बाद जितने भी जो ऑर्डर पास किए गए इसके सिमिलरली जो 13% रिजल्ट रुके हुए हैं या रुकने वाले हैं उन पर भी ऑर्डर दे दिए है कि अब बिल्कुल मतलब इसी में शामिल किया जाएगा और 13% का जो मसला था मतलब जो होल्ड है अब नहीं होगा, और जो रुके हुए हैं उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा, ऐसा ही ऑर्डर जारी कर दिया। बाकी हम आपको और आगे लेकर चलते हैं जहाँ पर आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। और ये 636/223 को आप बिल्कुल एमपी हाई कोर्ट स्टेटस केस पर जाकर इसको केस पर इसका चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 12 विभाग के रिक्त पदों पर चयनित कैंडिडेट को कैसे मिलेगा आरक्षण का लाभ, ये जानिए। तो 27% जो प्रतिशत है उसका मामला कोर्ट में फंसा हुआ था और 2023 से इसके रिगार्डिंग केस लगा हुआ था, जिसका फाइनल जजमेंट कल की डेट में आ चुका है। भोपाल प्रदेश के 12 विभागों में रिक्त पदों पर चयनित कैंडिडेटों को आरक्षण का लाभ
कि किस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा, इसका आदेश इस संदर्भ में परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को अधिकारियों को भेजा है। इस पत्र के अनुसार 87% रिक्त पदों जिसमें 16% अनुसूचित जाति, अब 87% में आप समझ लीजिए कि 87% में इन्होंने किस किस को शामिल किया है। 16% आपके हो गए हैं, आपके यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, 16% हो गए आपके अनुसूचित जाति, 20% अनुसूचित जनजाति, ये हो जाएंगे 20। इसके बाद 14% हो गए अन्य पिछड़ा वर्ग, ये हो गए आपके 14%। इसके बाद 10% आर्थिक रूप से कमजोर, ये हो गए आपके 10%, और बाकी जो बचे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 27% अनारक्षित वर्ग, तो यहाँ पे 27 हो जाएंगे अनारक्षित वर्ग वाले। अब इनको जोड़ते हैं अपन, जैसे यहाँ पे इन दोनों को हो जाएंगे तो 36 और इसको प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 50 और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 60, और इस 27 को मिला देता हूँ कितने हो जाएंगे 187। अब यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, ये वाले हैं ओबीसी के, ओबीसी को 27 मिलना चाहिए था लेकिन इन्होंने कितना के दिया 14, मतलब 13% का इन्होंने रोक लिया है, तो ये 13% को मिलाकर पूरे 100% आ जाएंगे। अब ऐसा ही इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे करके देख चलते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन से जारी पत्र में बताया गया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मानचित्रकार, समयपाल सहित अन्य पदों पर सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित किए गए थे। कर्मचारी चयन मंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद चयनित कैंडिडेट को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टिंग दी जाएगी। तो यह है पूरी प्रक्रिया, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, और एमपी सेट का जो रिजल्ट रुका हुआ है वह रिजल्ट भी बिल्कुल जल्दी से जल्दी आ सकता है। वैसे 13% का ये नियम जो पात्रता परीक्षा है उस पर लागू नहीं होती है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने 13% इस पर भी लागू कर दिया, लेकिन कोर्ट ने जब ये आदेश कल की डेट में आया हुआ है तो पीएससी हो सकती है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी एमपी सेट का रिजल्ट डिक्लेयर करें, और साथ में जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट अभी आना बाकी है जिसकी प्रोविजनल आंसर की अगले एक दो दिनों के अंदर कभी भी आ सकती है, इसके बाद चैलेंज करने, और जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उम्मीद है कि पीएससी पूरा 100% रिजल्ट देगी। 13% का जो मसला है कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उनको सिमिलरली मानते हुए 13% का रिजल्ट नहीं होल्ड करे तो अच्छा है, क्योंकि अभी जो एमपी सेट का जो रिजल्ट रुका हुआ है 13% जो रुका है तो अभी तक रुका है, जो पिटीशन जिन्होंने लगाई थी उनको अभी एग्जाम देने को मौका मिल गया है, लेकिन 13% जिन्होंने पिटीशन दर्ज नहीं की थी उन्होंने अपना एग्जाम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी 9 जून को कम्प्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट फेज बचे हुए हैं 4 अगस्त सेकेंड फेज एंड 17 नवंबर थर्ड फेज बचा है, उम्मीद करते हैं कि इनका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो हो सकता है कि इनके लिए विंडो अलग से ओपन हो जाए, क्योंकि फेज वन के लिए भी 7-8 तारीख तक इन्होंने विंडो ओपन की थी कोर्ट केस कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए भी हो सकता है कि विंडो ओपन हो जाए। तो फिलहाल के लिए अभी तो ये जानकारी आ चुकी है कि 13% का जो रिजल्ट का मामला फंसा हुआ था कोर्ट में वह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब 13% का रिजल्ट का मामला हमारे सामने नहीं आएगा, जो कैंडिडेट इससे परेशान थे वो अब उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।